रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल एक बार फिर से स्वागत करता है। मैंने कल भी कहा था कि हार्ट की प्रॉब्लम सब हार्ट अटैक नहीं होती, हार्ट में अगर ब्लॉकेज है तो भी हार्ट अटैक बोल दिया जाता है, नसों में हार्ट पंप करना कैपेबल नहीं है तो भी हार्ट अटैक बोल देते हैं, एकदम स्टॉप हुआ तो भी हार्ट अटैक बोल देते हैं, पर कुछ कार्डियक अरेस्ट में आता है, कुछ हार्ट फेलियर में आता है और कुछ हार्ट अटैक में आता है। मोबाइल रिपेयरिंग फोल्डर निकाल के बदल देना मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है, रिंगर वाइब्रेटर मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है, ये ऊपर वाला स्पीकर ये नीचे वाला स्पीकर ये मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग स्केमेटिक और विदाउट स्केमेटिक दोनों लेवल पर जब आप रिपेयरिंग सीख जाते हो उसको मोबाइल रिपेयरिंग कहते हैं। सॉफ्टवेयर लेवल पर एडवांस लेवल पर आपको सारी चीजें आ जाती हैं उसको मोबाइल रिपेयरिंग कहते हैं। और 20-25 साल पुराना चला हुआ आदमी अगर जो कराए और जो उसका एक्चुअली क्या होता है इंस्टीट्यूशन में आप सीखना करना तो ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करते हो और जो एक्सपीरियंस्ड आदमी का जो प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस है वो जो आपको बताता है उससे आप आगे बढ़ते हैं और फील्ड में आगे अपने को ग्रो करते हैं। तो वही वाली बात है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। हम अपने वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं किस तरह से हम क्लासेस कर रहे हैं। हाँ सर, अगला कौन सा मोबाइल डेट है बताएं? वाई यू है, जैसे कि ये भी खुला हुआ मोबाइल है, इसमें भी ये देखिए सारे स्क्रू पे स्क्रू अप हुआ हुआ है, सबसे निशान है ये देखिए, इसमें ये स्क्रू लगाना भूल गया और फिटिंग भी इसकी प्रॉपर नहीं करी है उनने जिसने भी खोला है। फिर हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये है मिनी इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, इससे बहुत आसानी हो जाती है खोलने में। दिस इज कॉल्ड मिनी इलेक्ट्रिकल स्क्रू ड्राइवर और दिस वन इज फ्रॉम, ये देखिए कितने बैनर टूल, वेंटर टूल आई एम सॉरी। और इसमें आपके सारे बिट्स हैं, ये ऊपर वाली खोलने के लिए, नीचे वाली कसने के लिए। यार कैमरे से देखो ना, ऐसे रखो ना, दिखते ही नहीं हाथ के कारण। हाँ यार सही आ नहीं रहा है, एक हाथ दबा के रखना भाई। कौन सा सेट है ये? YU5011 है ना, कौन सी कंपनी का? ये टाई अप था पहले माइक्रोमैक्स के साथ, फिर सेल्फ हो गया था, अब ऑटोनोवस है। ये भी डेड है भैया, खोलना खोलना चिल्ला रहे थे ना, देख लो कैसे खुलता है। इजहार करती है दीवानगी का, देखिए साइड के लॉक्स होते हैं, इन लॉक्स को खोलना होता है बहुत ही धीरे से, ये मेरे नाखून थोड़े बड़े हैं इसलिए मेरे उससे खुल जा रहा है, नहीं तो इसके लिए ओपनर आता है। ये क्यों ओपन कर दिया तूने? बैटरी ये देखो, ओपनर दिखाओ, ओपनर सारे टूल्स रख दिया करो। ये है ओपनर, इससे आसानी से भी खुल जाता है, आपको थोड़े बहुत नाखून की जरूरत पड़ती है लेकिन वो भी नहीं होगा इसमें, नाखून ना बढ़ाएं। अब इसमें देखिए मजबूरी है मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए नाखून बढ़ाना, वीडियो कैम यहाँ लो, पूरा लो, अंदर लो उसको, इसके साथ पैरेलल रखना पड़ेगा। शॉर्टिंग, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग, ओपन ओके, सर चेक कर रहे हैं अभी। ये देखिए ये बी बैट की लाइन ओके है, ठीक, और ये शॉर्ट भी नहीं है, एक साइड से वैल्यू बता रहा है और एक साइड से वन बता रहा है, वन या जीरो कुछ भी बताता है उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक। ये यहाँ से मोबाइल ओके है। अब हम इसको आगे चलते हैं, बैटरी चार्ज है, वोल्टेज चेक करते हैं, ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज नहीं है,
थोड़ा बूस्ट होना चाहिए। इधर ही रख लो डीसी को नीचे, पहले बूस्ट तो मारो फिर रखेंगे नीचे, नहीं तो उससे नहीं होगा तो फिर डीसी से। बैटरी वोल्टेज का 80% जब तक ये बैटरी बूस्ट कर रहे हैं हम चलते हैं दूसरे लैब में, दूसरे बैच में। असेंबलिंग कर रहे हो? आ रहा समझ में? आ रहा है बिल्कुल सर, पूरा क्लियर है? पूरा क्लियर। सीपीयू रैम रैम सब टकाटक, मजा आया करके? रैम नहीं, हाँ रैम मंगवा रहा हूँ। अरे विवेक विरोध इसकी रैम का देख लेना, देख लेना कहाँ है ना, आ जाओ। क्या हो गया, बूस्ट हो गई? वोल्टेज इसमें अभी भी नहीं आ रहे हैं, तो हम सबसे पहले पावर पे चेक करेंगे। उसकी रैम ढूंढवा लेना विनोद यार, कहाँ है? यही खुली मुली पड़ी होंगी। ये है स्विच पक्का, इसको आहिस्ते से निकालना है, या तो हल्का सा ग्लू रिमूवर इसमें यहाँ पर डाल देंगे पॉइंट से, ये पूरा बाहर आ जाएगा। अब ये सेट क्या है, काफी दिन से रखा हुआ है, हो सकता है इसमें मॉइस्चर जम गया हो जिसके कारण पावर या इसमें कहीं अंदर कार्बन डिपॉजिट हो गया हो। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा मॉइस्चर जम गया होगा, ठीक है ना? ये देखिए कितनी गंदगी भरी है पेट्रोल। ब्रश पावर के पास थोड़ी सी पेट्रोल डालेंगे, अल्ट्रा क्लीनर डालेंगे और हल्का सा यहाँ भी मारेंगे, ठीक है? विनोद रैम ढूंढ लो उसकी, और पहले मशीन चेक करनी पानी पड़ेगी ना। ये भी मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा हुआ है और इसके हाइनिक्स की फ्लैश लगी हुई है,
मीडियाटेक ARM सीरीज का प्रोसेसर है, फ्लैश भी JBC की है, ठीक है। इसको हम वॉश करके हल्की सी हीट देंगे, ज्यादा हीट नहीं देंगे, सिर्फ हमको सुखाना है। ज्यादा हीट नहीं देनी है, हीट ज्यादा देने से दिक्कत भी हो सकती है। जहां जहां अपन अल्ट्रा क्लीनर डाला है वहां सब जगह उसको सुखाएंगे। थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, कह रहे तुम लोग के कान में जू नहीं रेंग रही, कह रहे हो रैम ढूंढ कुछ कर रहे हो क्या, क्या है क्या देसी, क्या बोल रहे हो, देसी में लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, ये बॉडी सीधी कर रहे हो, अच्छा बॉडी सीधी कर रहे हो, हीट सुखा दी पूरी। अब ये डिस्प्ले का पत्ता वापस लगाएंगे, डिस्प्ले के पत्ते को अंदर तक बैठाएंगे, कल के वीडियो में दो पावर सीक्वेंस पावर आईसी के और मैं डालने वालू हूँ, कल का टाइम आप याद रखिएगा, पावर आईसी का बूट सीक्वेंस मोबाइल का करेंगे कल, और वोल्टेज चेक करेंगे। अब ये सर वोल्टेज चेक करा रहे हैं, देखते हैं हम मोबाइल में क्या हुआ, ये कहाँ गया, एक और ये आ गए वोल्टेज, एक मिनट तो वोल्टेज के साथ तो लो, अब ये वोल्टेज आ गए हैं, अब हम इसको वोल्टेज को आपस में शॉर्ट करेंगे, हाथ हटाना वैसे लगाना, वैसे ही लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे उंगली कर लो ना उधर से यार, ऐसे कर लो, हाँ ठीक है, ये वोल्टेज फिर चलो ठीक है, अब हम इन दोनों को शॉर्ट करेंगे, जैसे ही शॉर्ट करेंगे तो वोल्टेज 0-0 हो जाना चाहिए, शॉर्ट कर चंदू इधर आओ, उठा के कर रहा ना मुझे तो चंदू इधर आओ, हटो ना, ये वोल्टेज 0-0 हुआ शॉर्ट करते ही, तो मतलब मोबाइल ऑन होना चाहिए, ये देखो मोबाइल चालू हो चुका है, चार्जिंग लगाओ, ये बैटरी एरर, बैटरी वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, मोबाइल चालू हो चुका है।
ये देखिए, ठीक है, तालियां तालियां। ये हमारा एक और सेट चालू हुआ। तो इस तरह से हम लाइव प्रैक्टिकल्स में सारी चीजें कराते हैं और स्टूडेंट्स के सामने ही सारा काम होता है, और जब तक सेट चालू नहीं होता तब तक मेहनत करते हैं। 100 में से 99% सेटों को हम चालू करने की कोशिश करते हैं। हल्के मॉइस्चर के कारण बाबर के दाने यानी कि बॉल्स के अंदर थोड़ा बहुत नमी चली गई थी, जिसके कारण उसको कार्बन डिपॉजिट हो गया था, जिससे वो पकड़ नहीं कर रही थी। इस वजह से ऑन ऑफ स्विच पे वोल्टेज नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने उसको क्लीन किया, और पर्टिकुलर जगह बीमारी जब तक आप मानोगे नहीं तब तक आप इलाज नहीं करोगे, तो आपको मालूम भी होनी चाहिए कि वो कहाँ पर है। तो जैसे कि आपने देखा जहाँ पर थी केवल वहीं पर मैंने क्लीनर डाला और वहीं पर हीट किया और वहीं सुखाया। ऐसा नहीं कि पूरे मोबाइल को आप क्लीन कर दो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा क्लीनर या वो डालने से सीपीयू या फ्लैशिंग या इनमें किसी में आपस में शॉर्टिंग आ जाती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो उसी जगह, सबसे ज्यादा सिके हुए पावर आईसी के सेट हमारे पास आते हैं, जिन्हें हम रिवॉल्व करके वापस चालू करते हैं। ये देखिए, और सारी चीजें क्या करेंगे, और ये चार्जिंग पे है, ठीक। ये सेट ओके है, चालू हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो समाप्त, थैंक्स अ लॉट। तो ये इस तरह से हम सारी चीजें कराते हैं, और सारा कुछ आपको एडवांस सारी चीजें पर जिस भी सीखना उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं, ठीक। चलिए हम चलते हैं अगली क्लास में, वहां क्या चल रहा है, फिर वापस आते हैं इस लैब में। करवाने पकड़ के रखने के लिए समझाना, एक मिनट आ जाऊं एक मिनट में उनको सेट को दिखा के लाता हूँ। और ये चार्जिंग के बाद हमारा सेट, एक बार फिर से तालियां, बहुत बढ़िया सर के लिए। तो ये सेट इस तरह से आपका पूरा चालू हुआ और सारी चीजें हुई। तो हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के बैच में, और सारे बैच छूट जाते हैं रोज के। तो ये बता दिया पूरा कर लेगा मैं सिंपल, कोई मशीन दिक्कत तो नहीं है। अभी एक ब्रांडेड भी आ रही है, कॉम्पैक्ट डेल एचसीएल, तीन मशीनें आ रही, उन्हें भी करना। तो ये थे वीडियोस जिस पर हम सारे सेट चालू करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं, सामने रिपेयर करवाते हैं, चार्जिंग थी, इसके बाद ये सेट पूरी तरह से चालू हो चुका है और इसमें आप सारी चीजें देख पा रहे होंगे। और इसी तरह के प्रैक्टिकल्स के लिए हम लगातार रोज वीडियोस डालेंगे। इसके बाद हम लैपटॉप की सीरीज भी बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं, टाइम नहीं है नए एडमिशन्स की वजह से, थोड़ा सा इस वजह से हम ज्यादा वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम 20 वीडियो रोज डालें कुछ दिनों में, ताकि आप सही तरीके से जज कर सकें और सही तरीके से चीजों को ज्वाइन कर सकें कि कहाँ ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए फ्रूटफुल है, कहाँ पर आप बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं और कहाँ बिल्कुल क्या हो रहे हैं, आप ठगे जा रहे हैं। तो आइए हमें ज्वाइन करिए, और हर तरह की प्रॉब्लम से क्या हो जाएगा, आपको छुटकारा मिलेगा। और आप अपनी शॉप वगैरह डालें, हार्डवेयर नेटवर्किंग सीसीएनए लाइन एक्स करके, अगर ग्रेजुएशन इंग्लिश अच्छी है तो उस लाइन में जाएं, अदरवाइज आप रिपेयरिंग लाइन में जाकर जॉब के चक्कर में ना पड़े, सीधा अपनी शॉप डालें। फ्रिज, एसी, एलसीडी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, इस तरह के कोर्सेज आप कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन अच्छा है, इंग्लिश अच्छी है, तो हार्डवेयर नेटवर्क लाइन को आप पकड़ सकते हैं, वो फिर क्रीम लाइन हो जाती है, और ये लाइन सेल्फ बिजनेस के लिए सबसे बेस्ट लाइन होती है। तो ये था वीडियो हमारे दीपक सर का, जो अनुभव है वो आप देख रहे हैं किस तरह से चीजें क्लियर होती है। इसके अलावा जब दीपक सर सॉफ्टवेयर के वीडियोज भी आज शायद डालें या फिर कल डालें या नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें भी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं वो भी मैं बताऊंगा, वो भी हमारे सर आपको क्लियर कराएंगे। रिपेयरिंग में कल हम स्कीमेटिक लेवल पर पावर आईसी कम से कम दो वीडियो और डालेंगे बूट सीक्वेंस उनके। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।